मैथ्स क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 मैथ्स। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप। द नोटिस ऑफ अ फंक्शन अलोंग विद द सेम स्पेशल फंक्शन लाइक आइडेंटिफाई फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्मम फंक्शन, ये सारे आपके टाइप्स हो गए, बहुत सारे टाइप्स हैं। अलॉन्ग विथ देयर ग्राफ्स हैव बीन गिवन 11 क्लास में हम लोग देखा है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू फंक्शन हैव ऑल्सो बी स्टडीज। एज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन इज पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस इन मैथमेटिक्स एंड Among the disciplines as well, we like to extend our study about functions from where we finished earlier. In this session, we would like to subject studies different type of function. Consider function f1, f2, f3 and f4 given by the following diagrams. In figure 1.2, we observe that the image of distinct element x1 under the function this f1 are distinct, but image of two distinct element 1 and 2 x1 and f2 is same, namely b. Further, there are some element like e, f in x2 and are not image of any element x1 under f1, while all element x3 are integer of same elements of x1 under f3. The above observation lead the following definition. Definition kya hai usko dhyan denge. A function f such that x implies that y is denoted by 1 1, isko tabhi kahenge, injective kahenge, if the image of distinct element x under f are distinct, that is, for every x1 x2 element of x, fx1 is equal to fx2 ho jaye, or implies kar sakte x1 is equal to x2, otherwise f is many 1 ho jayega, 1 1 nahi hoga, theek hai. The function f1 and f4 jo ki figure 1.4 mein hai, 1.2 mein hai, 1 and 4 are 1 and 1 function, are f2 or f3 jo hai in figure 2 or 3 are many 1. Usi tarah se definition jo hai aapka, a function f such that x employ y is onto or surjective if every elements of y is image of y or some element x under f, that is, for every y element y, there exists any element x in x such that f x is equal to y. The function f3, f4 in figure 1.2, 3, 4 are onto, and the function f1 in figure 1.2, 1 and on, not onto element e. F is x2 are not the image of any image x1 under f1. चल तो फिगर हम लोग देखते हैं, फिगर से इसको समझते हैं, फिगर से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ने जो परिभाषा जाना था वो जाना था 1 1 इंजेक्टिव का। तो 1 1 इंजेक्टिव कब होगा उसको समझने के लिए हम लोग आते हैं 1 नंबर फिगर पे। यहाँ दो आपके सेट दिखाई पड़ रहे हैं, x1 और x2। चलिए, तो इसमें 1 A को डिनोट कर रहा है, 2 B को डिनोट कर रहा है, 4 C को डिनोट कर रहा है और 3 जो है D को डिनोट कर रहा है। यानी कि ये ऑनटो इसलिए है कि जो x1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं, x2 के हर एक एलिमेंट को वो इंडिकेट करते हैं, ठीक है। यानी कि x2 में सारे के सारे एलिमेंट्स इंडिकेट हो जा रहे हैं, इमेज पड़ रहा है इनका, है ना। यानी ये सारे एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। ये ऐसे समझ सकते हैं कि ये रिलेशन को आप समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए जो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये समझिए कि आपका घर है,
और ये हो सकता है कि आपका पड़ोसी का घर या फिर माने आपके दोस्त का घर है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पिताजी उसके पिताजी के दोस्त हों, आपकी माँ उसकी माँ के दोस्त हो, आपका भाई उसके भाई का दोस्त हो और आपकी बहन उसकी बहन की दोस्त हो। ऐसा कोई अगर रिलेशन मिल जाए तो उसको बोलेंगे ऑन्टो रिलेशन, ठीक है। चलिए ऑन्टो ऑन्टो कह रहे हैं वन वन टू वन, है ना, जैसा कि परिभाषा हम लोगों ने देखा। ये आपका वन वन इंजेक्टिव कहलाएगा, है ना, जब ऐसा हो तो। लेकिन अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखेंगे जो कहलाता है आपका मैनी वन। मैनी वन ध्यान देंगे, मैनी वन कैसे होगा तो ध्यान देंगे, इसको इससे समझ सकते हैं कि वन ए के लिए भी है, टू बी के लिए भी है और थ्री सी के लिए, फोर डी के लिए है। ऐसा कंडीशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैनी वन, ठीक है। मैनी वन क्यों बोलते हैं ये कारण समझ लीजिए। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यह आपका घर, ठीक है, और ये समझिए कि आपके चाचा का घर है, मैंने चाचा चाची जहाँ रहते हैं वो उनका घर है, ठीक है। चलिए अब ये है आपके पापा, है ना, और ये है आपकी मम्मी, और ये बी जो है इंडिकेट करता है आपके चाचा को, ठीक है। तो पापा जो हैं वो बड़े भाई हैं आपके भाई अपने चाचा के, मैंने आपके चाचा के, और मम्मी जो है भाभी लगती है आपके चाचा के। तो इससे हो गया मैनी वन, है ना। उसी तरह से आपके चचेरे भाई आपके भाई हुए, आपकी चचेरी बहन आपकी बहन हुई, ये हो गया आपका मैनी वन का कंडीशन। चलिए दो नंबर आपको समझ में आ गया। अब तीसरा नंबर जो है वो समझिए, जो हमने परिभाषा जानी थी, डिफिनेशन हम लोग जाना था ऑन्टो का, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरजेक्टिव। सुपरजेक्टिव इस तरह से होगा, देखिए किस तरह से सुपरजेक्टिव होगा। इसमें है कि जो आपके कुछ कुछ आपके मैनी वन वाला ही कैरेक्टर होता है सुपरजेक्टिव में, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स उतने हो या ना हो ये मतलब नहीं रखता है। लेकिन इसमें क्या है कि सुपरजेक्टिव इसीलिए बोलते हैं इसको कि आपका दो लोग ऐसे होंगे जो इंटरलिंक्ड होंगे एक किसी खास से, ठीक है। जैसे उसमें भी बताया था, जैसे मान लीजिए आपका घर हो गया और ये आपके पड़ोसी का घर हो गया, ठीक है, या फिर ऐसा मान सकते हैं कि यह आपका घर हो गया, ये आपके चाचा का घर हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपका जो पिताजी हैं वो आपके चाचा के बड़े भाई हैं, आपकी माँ जो है उनके भाभी लगती हैं, उसी तरह से आपके आप जो हैं मैंने कहने वाला उनके बेटे आपके भाई लगेंगे, उनकी बेटी आपकी बहन लगेगी, ठीक है। यानी आप जो है उनके बेटे के भाई हैं और आपकी बहन जो है उनकी बहन है, ठीक है, उनकी बेटी है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आते हैं जो बताता है फंक्शन। वो फंक्शन हम लोग जैसे सवाल बनाते जाएंगे वैसे वैसे क्लेरिफाई होता जाएगा, इसलिए सवाल जो हम बनाते हैं उसका वीडियो आप बार बार देखेंगे, लगातार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ऐसे इसको इस तरह से आप नहीं समझ पाएंगे या समस्या होगी। तो दूसरा परिभाषा आपका है जो है आपका नॉट वन का, नॉट ऑन्टो का, ठीक है। नॉट ऑन्टो वाला देखिए किससे से परिभाषा है। यहाँ देखिए क्या है कि सबको एक एक एंटाइटीज मिल गया है, ठीक है, सबको एक एक एंटाइटीज मिल गया है, एक कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा कोई होता है उसको नॉट ऑन्टो कह देते हैं, ठीक है। तो इससे आपका रिमार्क एक बात कही जा रही है, उसको ध्यान दीजिए। एफ इम्प्लॉयज वाई इफ एफ सच डेट एक्स इम्प्लॉयज वाई इज नॉट इफ ओनली रेंज एफ इज इक्वल टू वाई। अब हम लोग आगे जो है वन वन और ऑन्टो बाइजेक्टिव ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।